नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। 5 अक्टूबर दशहरा को होगा रावण दहन के बाद लीला का समापन। शिव रामलीला समिति के द्वारा कराई जा रही रामलीला दशहरे को होगा समापन। समिति के सदस्य गौरव कावटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि दोपहर 2 बजे शहर के मुख्य मार्गों से होती हुई राम रावण राधा कृष्ण शिव पार्वती की भव्य झांकियां निकाली जाएगी। 5 बजे मॉडल संस्कृति स्कूल के ग्राउंड में राम रावण युद्ध की लीला होगी। रावण वध के पश्चात आतिशबाजी के साथ 60 फुट लंबा रावण का पुतला फूंका जाएगा। उसके पश्चात रात 9 बजे भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक किया जाएगा। किरदार निभा रहे हैं, आपको कैसा लग रहा है? जय श्री राम, जय श्री श्याम। हम डांसर हैं और यहाँ टेली मंडी में प्रोग्राम करने के लिए आए हैं रामलीला। तो मुझे ट्रस्ट नहीं था यहाँ के लोग कैसे होंगे कैसे नहीं होंगे, मुझे बताया भी था दूसरे डांसर ने, तो बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ के, मुझे ट्रस्ट नहीं था। बट मैंने फिर भी सोचा वहाँ पे एक बार करके देखूं। यहाँ का आकर मुझे इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही आनंद आ रहा है रामलीला में। और यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, खाने से पीने से सब व्यवस्था अच्छी कर रखी है यहाँ के लोगों ने। और मुझे कार्यक्रम भी बहुत अच्छा लगा, कहीं नहीं देखा आज से पहले। रामलीला आपको कैसी लगी? बहुत अच्छी लगी है, इससे पहले कहीं नहीं देखी मैंने ऐसी रामलीला। जी, जो आपने रामलीला आपकी समिति ने करवाई है उसके बारे में बताइए कि कैसी रही, पूरा प्रोग्राम कैसा रहा? जय श्री राम। एक तो जो अब की बार रामलीला हुई है, हमें पीछे वाली रामलीला से भी ज़्यादा सहयोग मिला है पब्लिक से भी, और पीछे वाली से बहुत बढ़िया हमने अब की बार रामलीला का आयोजन करवाया है और पब्लिक का भी पूरा सहयोग रहा है, और आगे भी हम इसी तरीके से इसको बढ़ाते रहेंगे और इससे भी अच्छे करने की कोशिश करेंगे। और जो कल का रावण दहन है उसके बारे में जानकारी दीजिए, कैसे पूरा स्केड्यूल गया है? कल हम झंडा चौक से 1 बजे शोभा यात्रा निकालेंगे जो अटेली शहर के प्रमुख मार्गों से होती हुई रामलीला ग्राउंड हमारे ये बॉयज स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में जाएगी, और वहाँ पे 5 बजे रावण दहन का प्रोग्राम रखा हुआ है, और वहाँ पे हम रावण दहन करके और फिर स्टेज पे आएंगे झंडा चौक पे, और राज तिलक होगा राम जी का। इस बार के रावण दहन की क्या खासियत? इस बार हमने रावण 60 फीट का रावण बनाया हुआ है, और शहर में और वहाँ पे आतिशबाजी का बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा हुआ है जो लोगों को देखने के लिए मिलेगी। जय श्री राम। जय श्री राम जी। आप रामलीला बहुत टाइम से आप व्यास का किरदार निभा रहे हैं, तो अटेली में आपको कैसा लगा? अटेली में बड़ा सुखदायक रहा हमारा आना, और बढ़िया अच्छा काम कर रहे हैं, और पब्लिक को भी अच्छा लग रहा है। जी, आप रामलीला में डायरेक्टर का काम करते हैं, अटेली में आप पिछले दो साल से आने लगे हैं, तो आपको कैसा लगा यहाँ का माहौल? जय श्री राम। यहाँ का माहौल अच्छा लगा, और रामलीला से हमारे बच्चों को हमारे भाइयों को ये प्रेरणा मिलती है कि पुत्र का क्या कर्तव्य है और पिता का क्या कर्तव्य है, भाई का क्या कर्तव्य है, ये शिक्षा मिलती है। और जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने मर्यादा सिखाते हैं, हमको भी प्रेरणा मिलती है, हमारे भाइयों बच्चों को भी प्रेरणा मिलती है, और अच्छा लगता है, अच्छी व्यवस्था है। जी, रामलीला जो हो रही है, कितना पैसा जो उसमें लग रहा है, तो उसका क्या औचित्य है? इसका औचित्य आज के समय में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारे बच्चे हमारी संस्कृति को भूल चुके थे। भाई भाइयों में कैसा प्रेम होना चाहिए, माता पिता का क्या कर्तव्य है, माता पिता के प्रति यानी कि बच्चों का क्या कर्तव्य है, ये केवल हमें रामायण ही सिखाती है। और रामायण खाली भारतवर्ष का ये हिंदुओं का ही ग्रंथ नहीं है, बल्कि रशिया में, इंडोनेशिया में, बड़े बड़े दूसरे देशों के अंदर भी रामलीला का मंचन होता है। आज भी मैं TV पर देख रहा था कि रशिया में भी युद्ध के दौरान भी रामलीला का मंचन हो रहा है, और ये बहुत ज़रूरी है। रामायण हमें जीवन सिखाती है, हमें जीने का ढंग सिखाती है, इसलिए रामायण का होना बहुत ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ यहीं पर ही नहीं, बाकी जहाँ पर भी हो, संभव हो, रामायण का जो है मंचन ज़रूर होना चाहिए, और हम इसको आगे और बढ़ाएंगे, इसी प्रकार से हमारे कार्यक्रम चलता रहे।
23 साल से मंडी अटेली में बंद पड़ी रामलीला, शिव रामलीला समिति के सौजन्य से जो पिछले वर्ष से शुरू हुई, ये सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता बधाई के पात्र हैं। और इस रामलीला का मंचन हम इसलिए नहीं करते कि हमारा और जनता का मनोरंजन हो, बल्कि एक लुप्त सी हो गई हमारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की संस्कृति और सभ्यता, विशेष रूप से हमारी जनरेशन आज के बच्चे जो नहीं जानते, हम उनको उनका ज्ञान कराएं और बच्चे शिक्षा और तालीम सीख करके जाएं, ये हमारी समिति का मुख्य उद्देश्य रहता है। और अब की बार अगर मैं ये कहूँ कि 52 वर्ष के अटेली के इतिहास में रामलीला का जो आयोजन हुआ है, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। पहली बार पहली मर्तबा हम देख रहे हैं कि प्रबंधक जन मुख्य किरदार जो रामलीला का मंचन मंच पे कर रहे हैं, और जनता नजारदन ने जो सहयोग किया है, अनुशासन ढंग से रामलीला देखी है, दान दिया है, और बिल्कुल अब की पहली बार शांतिपूर्वक ढंग से रामलीला हुई है, सभी बधाई के पात्र हैं। और मैं परम पिता परमात्मा से ये निवेदन प्रार्थना करूंगा, अर्ज करूंगा कि समिति को इतना सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करे कि अगली बार इससे भी उम्दा और बेहतरीन रामलीला का आयोजन हो। और प्रशासन ने, विशेष रूप से पुलिस प्रशासन ने जो हमें सहयोग दिया है, हम उनका भी तह दिल से आभार व्यक्त करते हैं और सभी का हम बारम्बार धन्यवाद करते हैं। जय श्री राम। असल में हम रामलीला नहीं, राम की लीला दिखा रहे हैं। रामलीला तो हम कर ही नहीं सकते। एक्चुअल में क्या है कि जो हमारी संस्कृति दिन प्रतिदिन विलुप्त होती जा रही है, संस्कार विलुप्त होते जा रहे हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे को रामायण ही सिखा सकती है। और रामायण का चित्रण, उसको एक मंच पर करना, वो उससे लोग इकट्ठे होते हैं और उससे वो शिक्षा लेते हैं। वैसे आप किसी को समझाओगे, घरों में रामायण रखी है लेकिन लोग पढ़ते नहीं हैं, तो इस बहाने कम से कम आके उस रामचरित्र का, उसके जितने पात्र हैं उनके चरित्रों का, वो सब चीज़ देख के वो अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें, समझे अहम मदमो लोभ कितना भयंकर होता है और उसका परिणाम क्या क्या भुगतना पड़ता है। आजकल आप देखते हो, वहाँ तो रावण ने तो सीता को सिर्फ हरण किया है, आजकल इतनी विकृतियाँ फैली हुई है समाज में, हर रोज़ हम किस्से पढ़ते हैं। तो उससे बचाने के लिए भी एक संस्कृति, जो हमारी प्राचीन और पुरातत्व संस्कृति है, उसको बचाने के लिए ये मंचन किया जाता है और राम की लीला दिखाते हैं। राम लीला नहीं करते।